a'udhu billahi minash shaitanir bismillahir rahmanir raheem dear students and viewers i welcome once again all of you in this class today we are going to read the ship of desert lesson we have already read the first part uh, which you have seen इन अर्लियर वीडियो प्यारे बच्चों एक बहुत ख़ूबसूरत और मज़ेदार कहानी है द शिप ऑफ द डेज़र्ट और प्यारे बच्चों पहले वाले वीडियो में हमने अच्छी तरह इसका पहला हिस्सा पढ़ा और इस हिस्से में हमने पढ़ा जो लाइन था वो पहले कैमल से कहता है कि आप कौन हो और कैमल जब उसकी तरफ़ वापस देखता है वो कहता है कि मैं आई एम द शिप ऑफ़ डेजर्ट और कैमल वापस पूछता है लाइन से कि आपको पता नहीं आई एम द शिप ऑफ डेज़र्ट और बाद में जब कैमल वापस लाइन से पूछता है कि आप कौन हो और लाइन का वापस में जवाब होता है डैट आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट यानी मैं जंगल का बादशाह हूँ तो प्यारे बच्चों कैमल बाद में कहता है कि आप ही हो तो लाइन वापस कहता है कि आपको पता नहीं कि मैं ही हूँ और लाइन कैमल से कहता है आप अपने आप को कहते हो कि यू आर द शिप ऑफ डेजर्ट और हाउ कैन यू बी द शिप ऑफ डेजर्ट यू आर एन एनिमल और प्यारे बच्चों इसका हमने ये वाला हिस्सा भी पढ़ा कैमल बाद में हंसता है स्माइलिंग सो आई एम द आई एम बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ डेज़र्ट आई कैन वॉक एक्रॉस द डैजर्ट मैं बहुत मान डेज़र्ट में भी चल सकता हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी में यानि हॉट सेंड जब होती है आफ्टरनून के टाइम में उस टाइम में भी मैं अच्छी तरह से चल सकता हूँ और जो सेंड होती है यानि जो रेत होती है वो मुझे जला भी नहीं सकती है मैं उससे मुझे कोई परेशानी भी नहीं होती है वो लाइन कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कैमल वापस में कहता है कैन यू वॉक अक्रॉस ए डेज़र्ट क्या आप डेजर्ट के ऊपर चल सकते हो लाइन ब्लिंकिंग जो लाइन होता है वो ब्लिंक करके कहता है नो आई कैन नॉट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट वो कैमल को वापस जवाबन कहता है कि मैं सैंड के ऊपर नहीं चल सकता हूँ बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ वाई बिकॉज आई इन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट तो प्यारे बच्चों कैमल बड़े डिस्डैंड यान नफरत से हकारत से कहता है एवरी एनिमल कैन डू डेट हर एक एनिमल चल सकता है आई एलून कैन रन ऑन सैंड लेकिन ये एक क्वालिटी मेरे अंदर है कि मैं सैंड के ऊपर अकेला ही चल सकता हूँ अगर हम कंपेयर करेंगे आपको आपका और एनिमल के साथ यानि लाइन को कहता है कि वो जंगल में और जंगल में कोई भी एनिमल चल सकता है लेकिन जो सैंड है ये मेरे अंदर एक यूनिक क्वालिटी है कैमल कहता है कि मैं रन कर सकता हूँ ऑन सैंड और कितना कर सकता हूँ आई कैन रन ट्वेंटी फाइव किलोमीटर्स एन ओवर प्यारे बच्चों जो लाइन था वो वनडरिंग वंडरिंगली हाउ कैन यू डू दैट आप ऐसा किस तरह कर सकते हो कैमल बाद में कहता है आप मेरे फीट देखें जो दैट आर थिक एंड पैडेड जो हॉट सैंड होती है वो उससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती है या वो मुझे जला भी नहीं सकती है और आज ये हमने ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा था आपकी याद याद दहानी के लिए मैंने इसको दोबारा दोहराया तो प्यारे बच्चों आज हम इसका ये वाला हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं जिसमें लाइन कहता है माई फीट आर पैडेड टू थॉर्न डोंट ब्रिक प्रिक them एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर अब लाइन इसको चैलेंज देता है क्योंकि कैमल ने इसको कहा कि मैं कितने किलोमीटर चल सकता हूँ सैंड के ऊपर 25 फाइव किलोमीटर्स एक आवर में और लाइन वापस इसमें कहता है जो मेरे फीट हैं दे आर पैड टू हैं तो मेरे अंदर एक ख़ासियत है आई कैन रन 80 किलोमीटर्स an आवर मैं 80 किलोमीटर चल सकता हूँ तो प्यारे बच्चों फिर कैमल का जवाब क्या होता है यो तो सही है यानी डाट इज़ ट्रू आप अस्सी किलोमीटर चल सकते हो एक घंटे में वो भी फारेस्ट में लेकिन यू कैन नाट ई रन इवन एस माइल आप एक माइल भी नहीं चल सकते हो कहाँ हॉट सैंड के ऊपर से कौन कहता है ये कैमल कहता है लाइन को तो प्यारे बच्चों लाइन कहता है मे बी नै बट हाँ ऐसा तो सही है कैमल बाद में कहता है इंटरप्टिंगली एंड यू कॉट लीव विद आउट वाटर फॉर ए वीक अब क्या मैं इसको दूसरा चैलेंज देता है लाइन को कि आप एक हफ़्ते मत एक हफ़्ता आप पानी के बगैर नहीं रह सकते हो लेकिन जो लाइन कहता है नो आई कै नाट लाइन के ये चैलेंज इसको होता है और कहता है कि मुझे हर दिन पानी की ज़रूरत होती है लाइन वापस कहता है बट डोंट टेल मी यू कैन डू विद आउट वाटर लेकिन क्या लाइन क्या कहता है लाइन कहता है नो आई कैन नॉट आई नीड वाटर एवरी डे बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर लाइन कहता है मुझे हर दिन पानी की ज़रूरत होती है मुझे ये मत बताओ कि आप यू कैन डू विदाउट वाटर आप पानी के बगैर काम कर सकते हो कैमल को लाइन कहता है तो प्यारे बच्चों फिर क्या होता है जो कैमल होता है वो कहता है हाँ दिया जो जहाँ पे मैं चलता हूँ यानी जो डेजर्ट में चलता हूँ मैं वहाँ पे रिवर्स नहीं होते हैं लेक्स भी नहीं होते हैं बट डेट डजेंट वादर मी मुझे उससे कोई परेशानी नहीं होती है रिवर्स या लेक्स ना होने की वजह से मैं एक ही टाइम में यानी आई कैन ड्रिंक टू हंड्रेड बॉटल्स 200 बोटलस ऑफ वाटर एट ए टाइम में एक टाइम में 200 पानी की बोतल पी सकता हूं फिर क्या करता हूं लाइन कहता है हाँ रियली क्या आप सही में सच कह रहे हो यू मस्ट हैव बिग स्टमक अब लाइन वापस कह रहा है मुझे लगता है कि आपका स्टमक बड़ा है यू हैव अ बिग स्टमक आपका बड़ा स्टमक है स्टमक प्यारे बच्चों आपको पता है किसको बोलते हैं ये मैदे को बोलते हैं तो कैमल में प्राउड नहीं फ़खर से कहता है येस आई हैव बिग स्टामक आई कैन स्टोर वाटर फॉर ए वीक मेरे अंदर एक खासियत है मैं एक बार पानी को पी के इसको अपने अंदर स्टोर यानी जमा करके रख सकता हूँ आई कैन स्टोर फूड फॉर टू वीकस इवन उसने कैमल वाफ़ लाइन को कहता है हाँ मैं स्टोर करके रखता हूँ गुज़ा को यानी फूड को जो मुझे ज़रूरत आती है खाने की तो वो मैं कितने दो हफ़्ते उसको भी स्टोर करके रख सकता हूँ ये मेरे अंदर एक खासियत है एक खासियत ये है कि मैं दो टू हंड्रेड वाटर बोटल्स एट अ टाइम पी सकता हूँ और दो हफ्ते में दो हफ्ते के लिए मैं गुज़ा स्टोर करके रख सकता हूँ तो अब हम आएंगे लास्ट पार्ट में प्यारे बच्चों तो लास्ट पार्ट में लाइन कहता है शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट डू यू स्टोर फूड इन यूर स्टॉमक अब लाइन को एक अजीब सी बात लगी अब ये कहता है कैमल को कि क्या डू यू स्टोर फूड इन योर स्टामक क्या आप स्टोर कर सकते हो अपने फूड को अपनी गुज़ा को स्टमक में कैमल को कहता है तो कैमल क्या कहता है नो आई डिडेंट आई स्टोर इट इन माई हम्प तो प्यारे बच्चों कैमल वापस जवाब में कहता है नहीं आप एक चीज़ आपको जहन में रखती रखनी है वो ये है ये जो गुज़ा स्टोर करके कैमल रखता है वो कहाँ रखता है वो हम्प में रखता है प्यारे बच्चों आपको पता है हम्प किसको है कहते हैं तो कैमल के जो जो बैक भी होती है उसको हम हंप कहते हैं कैमल के जो बैग में होती है उसको क्या कहते हैं हंप तो उसी में स्टोर करके रखता है ये गुजा को तो फिर क्या होता है आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम कैमल कहता है मैं एक ही बार में बहुत सारी गुजा खाता हूँ देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर फोर्थ नाइट मुझे फिर फोर्थ नाइट तक फिर जरूरत नहीं पड़ती है यानी टू वीक्स तक मुझे जरूरत नहीं पड़ती है लाइन कहता है डैट इज़ इंटरेस्टिंग बट वट डू यू ईट लाइन कहता है ये तो सही बात है लेकिन आप खाते क्या हो कैमल बाद में कहता है आई ईट लीवस बट दियर आर नो ट्रीज इन द डेजर्ट कैमल बाद में कहता है, जो मेरी खाने की चीज़ है वो लीवस भी हैं लेकिन जो डेजर्ट्स में ये चीज़ें मैसर yes नहीं है। लाइन कहता है वाट डू यू ईट दियर लाइन कहता है फिर आप वहाँ पर क्या खाते हो कैमल कहता है दियर और थॉर्नी बुशस इन द डेजर्ट आई ईट दर्नस द थॉर्नस डोंट प्रिक इन माई थिक टंग जो थॉर्नस होते हैं प्यारे बच्चों या आप उनको पता ही है जो थॉर्नस के अंदर क्या होते हैं उनके अंदर जो वो बड़े ऐसे होते हैं जो प्रिक कर सकते हैं लेकिन कैमल की जो टंग होती है वो क्या होती है वो ऐसी मजबूत होती है कि उसके अंदर वो जो डेजर्टस के अंदर कैमल थॉर्नी बुशेस जो खाता है तो उससे उसको कोई उस मतलब उन थॉर्नस से कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है क्योंकि जो थॉर्नस जो होते हैं वो बड़े शॉप होते हैं और उससे क्या होता है कि जब ये कैमल खाता है लेकिन इसकी जो टंग होती है वो मोटी होती है थिक तो उसके अंदर पर्क नहीं यानी उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं कैमल को तो प्यारे बच्चों लाइन कहता है हाउ फनी आप कितने अजीब हो कैमल कहता है मिस्टर किंग ऑफ़ द फॉरेस्ट प्लीज़ कम विथ मी टू द डेज़र्ट अब कैमल बड़े बड़े प्यार से लाइन को कहता है कि किंग ऑफ द फॉरेस्ट आप ये जंगल के बादशाह आप आ जाओ मेरे साथ में डेजर्ट में लाइन ने कहा नहीं आई डोंट बेटर नाउ आई आई कैन वॉक आई कैनॉट वॉक ऑन बर्निंग सैंड मैं रेत के ऊपर नहीं चल सकता हूँ और मैं फूड भी स्टोर नहीं कर सकता हूँ पानी भी स्टोर नहीं कर सकता हूँ और मैं थारनी बुश भी नहीं खा सकता हूँ गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ डेजर्ट आप इसको कहता है गुड बाय आप जाओ अलविदा कहता है कैमल को लाइन तो प्यारे बच्चों जो ये ये कहानी है ये प्रोज में ली गई थी ये लिखी है एस के राम ने ये चीज़ आप जहन में रखें मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा अगर आपको मैं इसकी समरी की बात करूं तो जो ये स्टोरी है ये अब मैं सम आप करके आपको बताता हूँ आप इसकी समरी देखें तो देर स्टूडेंट्स इट इज़ द स्टोरी ऑफ ए लाइन एंड अ कैमल एंड दियर इज़ अ कन्वर्जेशन बिटवीन लाइन दाइन विच इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड वन मोर एनिमल दैट इज़ कैमल जो कैमल है ही इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट और इनकी एक आपस में एक बहस होती है और द कैमल जो तो कहता है आई हैव यूनिक क्वालिटीज और लाइन वापस में उसको कहता है आई टू हैव यूनिक क्वालिटीज तो प्यारे बच्चों फिर क्या होता है लाइन कैमल के, कहता है लाइन को दैट आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन द हॉट आफ्टरनून दैट टू अबाउट ट्वेंटी फाइव किलोमीटर्स एन आवर तो so, और कैमल इसको कहता है ही फर्दर टेलस दैट ही कैन ड्रिंक टू हंड्रड जो हमने इसमें आलरेडी पढ़ा कि एक टाइम में ही कैन ड्रिंक टू हंड्रड ऑफ़ वाटर तो कैमल टेलस द लाइन दैट ही इट इज बुशेस इन द डेजर्ट बिकॉज देयर आर नो लीव्स इन द देयर आर थॉर्नी बुशस इन द डजर्ट so he also it is the unique quality of a camel that he eats thorny bushes because he has a thick tongue he further tell us that he eat lot of food at one time and stores it in the hump oh, usko maine jaise aapko abhi bataya jo ye एक time में ये food जो खाता है camel फिर इसको store करके रखता है प्यारे बच्चों अपने hump में hump आपको पता है अभी आपको बताया हम किसको कहते हैं हम्प आपको जहन में रखना है हम्प ये एक राउंड लंप होता है ऑन द कैमल जिसको हम कहते हैं ऊंट की पीठ के ऊपर होता है ऊपर निकला हुआ एक मतलब ऊपर कमर के ऊपर एक पूटना निकला हुआ हिस्सा होता है तो प्यारे बच्चों फिर क्या होता है ही फर्दर कैमल फर्दर टेल टेल्ज दैट ही इट इज़ ए लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम एंड स्टोर इट इन द हम्प ही डजेंट रिक्वायर फूड फॉर फोर्थ नाइट यानि दो हफ्ते तक इसको गुज़ा की भी ज़रूरत नहीं होती है एक बार जब ये फूड लेता है सिमिलरली ही कैन स्टोर वाटर फॉर अ यही वजह है दैट कैमल टेल टेल्ज दैट ही इज़ नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट और जो हमारी लेसन जो है द शिप ऑफ डेजर्ट जो हमने पढ़ी ये बड़ी इसी के बारे में है द शिप ऑफ डेजर्ट जो हमने पढ़ी इसमें यही चीज हमें पता चलती है दैट द कैमल हैज़ ए यूनिक क्वाल्टीज विच यूनिक क्वाल्टीज डेट ही कैन वॉक ऑन हॉट सैंड ही कैन रन ट्वेंटी फाइव किलोमीटर्स एंड ओवर ही कैन ड्रिंक टू हंड्रेड वाटर बोटल एट अ टाइम ही कैन ईट थॉर्नी बुशज ही डजेंट रुकयर फूड फॉर फोर्थ नाइट that is why he is called the ship of the desert i hope my dear students you have got it thank us in coming video we will do the exercise of this lesson baaki wasalam